नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आइए आज कुछ नया जानते हैं पर्यटन में ऐतिहासिक अनुप्रयोग के इस विषय से, जो है एक प्रश्न पत्र MA थर्ड सेमेस्टर में इतिहास। दोस्तों, अगर आप ऐतिहासिक विषयों पर रुचि रखते हैं, आप पर्यटन में रुचि रखते हैं, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। साथ ही अगर आप अच्छे मार्क्स लाने में रुचि रखते हैं तो ज़रूर। दोस्तों, ये ऐतिहासिक स्थल है सुंदरसी, और मैं आपको बता दूं पहले ही कि मैं ना तो अपने कॉलेज का टॉपर हूँ और ना ही मैं अपने कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। मैं एक विद्यार्थी हूँ और मुझे लगता है कि जो मुझे आता है वो मेरे दोस्तों को भी आना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ में कमज़ोर हैं और मैं बेहतर हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ, और मुझे लगता है कि मैं पढ़ा अच्छा सकता हूँ। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने वीडियोस के ज़रिए उन दोस्तों तक जानकारी पहुँचा सकूँ जिनके पास संसाधनों का अभाव है, जिनके पास किताबें नहीं हैं, क्योंकि MA की किताबें आसानी से मिलती नहीं हैं। अब हमें नसीब हो गई है तो हम चाहेंगे कि हमारे दोस्तों को भी मिल जाए। दोस्तों, देखते हैं ऐतिहासिक स्थल सुंदरसी के बारे में। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि ऐतिहासिक स्थल क्या होता है। पर्यटन में कई प्रकार के पर्यटन होते हैं, जैसे कि देशांतन, तीर्थांतन या फिर अलग अलग प्रकार के पर्यटन होते हैं। तो उन्हीं में से एक भाग होता है कि ऐतिहासिक स्थल किन्हें कहेंगे। ऐतिहासिक स्थल उन स्थलों को कहते हैं जिनका संबंध इतिहास से होता है। पर्यटन और ऐतिहासिक स्थल दोनों में अंतर होता है। कई बार पर्यटक स्थल ऐतिहासिक स्थल हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार एक पर्यटन स्थल ऐतिहासिक स्थल हो। जैसे कि सांची स्तूप एक पर्यटन स्थल भी है और एक ऐतिहासिक स्थल भी है। ताजमहल एक पर्यटन स्थल भी है, एक ऐतिहासिक स्थल भी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम घूमने भी जा सकते हैं और हम वहाँ पर देख भी सकते हैं। लेकिन कुछ ऐतिहासिक पर्यटन स्थल ऐसे होते हैं जो पुरातात्विक स्थल के रूप में बदल चुके होते हैं, यानी कि वहाँ पर खंडहर के अलावा कुछ नहीं होता। जैसे कि मैं अपने छिंदवाड़ा की बात करूँ तो यहाँ पर प्रसिद्ध देवगढ़ का किला है। कुछ समय पहले तक वो बहुत शानदार था, लेकिन अब कहते हैं कि वहाँ पर खंडहरों के अलावा कुछ नहीं है। गोंड राजाओं का एक समृद्ध इतिहास समेटे हुए एक बड़ा सा किला, जिसे देवगढ़ का किला कहते हैं, वो अब केवल खंडर है। और वहाँ पर केवल इतिहास की रुचि के लिए या फिर प्राइवेसी के लिए आपको जाना हो तो आप ज़रूर जा सकते हैं, लेकिन पर्यटन के स्थल के लिए, मौज मस्ती के लिए, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोग वहाँ पर जाना पसंद करेंगे। ऐसे स्थलों को हम ऐतिहासिक स्थल या पुरातात्विक स्थल कहते हैं, जो इतिहास में रुचि रखने वाले विद्यार्थी या फिर शोधार्थियों के लिए, जो रिसर्चर्स होते हैं, उनके लिए काम की जगह होती है, जो पता लगाते हैं कि जो टूटी इमारत है उसका वैभव, उसका इतिहास कैसा रहा होगा। तो आइए इस ऐतिहासिक स्थल सुंदरसी के बारे में जानते हैं। सुंदरसी मध्य प्रदेश के मालवा अंचल के शाजापुर ज़िले में स्थित है। पुरातात्विक दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुंदरसी का शाब्दिक अर्थ होता है देखने से सुंदर, इसे सिंधुसी भी कहा जाता है। ये इसके बारे में कुछ लाइनें। अगर आप वीडियो को यहीं पर ख़त्म करके जाने की सोच रहे हैं तो आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि सुंदरसी में एक मंदिर है जिसका संबंध है उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर से। आइए, आपको आगे पता चलेगा, तब तक आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। देखते हैं भौगोलिक स्थिति के बारे में। शाजापुर ज़िले के कालीसिंध रेलवे स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह सुंदरसी ग्राम, इसका प्रमुख पर्यटन केंद्र महाकाल मंदिर कालीसिंध नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों, इस महाकाल मंदिर के पीछे यह राज है कि जिस तरह से जो भाव उज्जैन के महाकाल मंदिर के प्रति है, वही भाव इस महाकाल मंदिर के प्रति है। यानी कि जितना सिद्ध उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर है, और जैसी जैसी स्थिति वहां पर घटित होती है कि भगवान शराब पीते हैं, ठीक वैसी ही स्थिति इस महाकाल मंदिर में भी होती है। लेकिन ये किसी प्रसिद्ध स्थान पर नहीं है और सरकारों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इसलिए ये केवल एक पुरातात्विक स्थल के रूप में है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। अब देखते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। यहाँ पर परमार काल से समृद्ध बस्ती रही होगी, क्योंकि 1032 ईस्वी में परमार नरेश ने इस नगर को स्थापित किया था। प्राचीन काल में इसे सुंदरगढ़ के नाम से जाना जाता था।
इसके बारे में यह जनश्रुति प्रचलित है कि विक्रमादित्य जो उज्जैन के प्रसिद्ध शासक थे, विक्रमादित्य वही थे जो गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय नाम से जाने गए और उज्जैन को जिन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। उनकी छोटी बहन सुंदरबाई का विवाह इस स्थान के शासक भगत सिंह से हुआ था। धार्मिक प्रवृत्ति की महिला सुंदरबाई के विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य ने इस स्थान पर उज्जैन के समान तीर्थ स्थापित कर दिया और सुंदरबाई के नाम पर इस स्थान का नाम पड़ा सुंदरसी। तो ये थी इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी कि हमने जाना कि ये जगह है कहाँ और हमने ये जाना कि इतिहास में इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध है गुप्त वंश के तीसरे या गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, उनकी बहन सुंदरबाई से। यानी कि कह सकते हैं कि ये जो स्थान है ये गुप्तकालीन है। अब देखते हैं महाकाल मंदिर के बारे में। यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल, स्मारक और तीर्थ स्थलों को हम देखेंगे। सुंदरसी का सबसे महत्वपूर्ण स्मारक यहाँ का महाकाल मंदिर है, जो ग्राम के दक्षिण भाग में स्थित है। काली सिंध नदी के तट पर बसे इस मंदिर में पार्वती, श्री गणेश, शिव लिंग सहित ब्रह्माणी, वैष्णवी और सरस्वती की प्रतिमाएं हैं। इस मंदिर में संस्कृत व देवनागरी लिपि है, जो संभवतः 1144 की है, संबत 1144 की है। इससे स्पष्ट होता है कि यह मंदिर 11वीं सदी ईस्वी के अंतिम भाग में निर्मित हुआ होगा। ओंकारेश्वर मंदिर भी यहाँ पर मौजूद है। यह मंदिर महाकालेश्वर मंदिर के पश्चिम में स्थित है और इसमें शिवलिंग, श्री गणेश प्रतिमा सहित अन्य प्रतिमाएं स्थित है। जागेश्वरी महादेव मंदिर की भी यह सुंदरसी में स्थित है। मंदिर के पश्चिमी भाग में एक कुंड है जो सूरज कुंड कहलाता है। यानी कि उज्जैन जिसके लिए प्रसिद्ध है महाकालेश्वर मंदिर, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और खंडवा के ओंकारेश्वर मंदिर के जैसे ही एक मंदिर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। मंदिर का स्ट्रक्चर आपको स्वयं वैसे ही नहीं दिखेगा, आपको पुरातात्विक यानी कि एक खंडर के रूप में नज़र आएगा, लेकिन मंदिर है तो इसकी स्थिति थोड़ी बहुत अच्छी होगी, लेकिन उतना भव्य नहीं होगा। लेकिन अगर आपके अंदर ये रुचि है कि आप महाकालेश्वर मंदिर या ओंकारेश्वर मंदिर में आखिर मामला क्या है, एक वैज्ञानिक की दृष्टि से, एक रोचक भरे इंसान की दृष्टि से, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे शराब अंदर चली जाती है और क्यों इतनी शराब वो पी लेते हैं, या फिर धार्मिक मामले में अगर आप करीब से उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को नहीं देख सकते, तो आप वो सब कुछ यहाँ पर कर सकते हैं जो आप वहाँ पर नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ पर आप खुले रूप में भ्रमण कर सकते हैं। आप देखते हैं मन कामनेश्वर मंदिर। यह मंदिर भी 11वीं सदी का है, जिसका आधुनिक समय में पुनरुद्धार किया गया है। अब इसके बाद देखेंगे परमारकालीन बावड़ी। सुंदरसी ग्राम के दक्षिण में एक परमारकालीन बावड़ी भी है और बावड़ी की दीवारों पर कई मूर्तियां उकेरी गई हैं। इसमें विष्णु की त्रिभंगी मुद्रा में चार हाथों वाली एक खड़ी प्रतिमा है। यह बावड़ी परमारों की भूमि शैली की किसी मंदिर के अवशेष पर निर्मित होगी, क्योंकि उसके कई अवशेषों का इसके निर्माण में प्रयोग किया गया है। दोस्तों आपको बता दूं कि जो सुंदरसी है इसमें कोई ज़्यादा बड़ा प्रश्न बनता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर में पूछे गए ये, और 2 नंबर में इतना कुछ लिखना है नहीं आपको। थोड़ा सा बताना है कि सुंदरसी का मतलब क्या है, भौगोलिक स्थिति, 2 लाइन में इसका इतिहास, और 1-2 मंदिर के बारे में, जैसे महाकाल मंदिर के बारे में, ओंकारेश्वर मंदिर के बारे में, इनके बारे में आपको बताना है, और बस आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ये वीडियो पूरा सिर्फ इसीलिए देखिए ताकि आप चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ सकें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ जो आपके दिमाग में पकड़ आ जाए जो आपको बहुत अच्छी लगे। अब देखते हैं भैरव मंदिर के बारे में। सुंदरसी ग्राम के पश्चिम में 3 किलोमीटर दूरी पर एक भैरव मंदिर विद्यमान है। यह एक गर्भगृह और एक मंडप की योजना पर आधारित है। गर्भगृह में भैरव की प्रतिमा स्थापित है। माना जाता है कि उज्जैन की काल भैरव प्रतिमा की भांति इस मंदिर की भैरव प्रतिमा भी चमत्कारिक है और मदिरा पान करती है। जैन मंदिर, ये रहा भैरव मंदिर। जैसे कि जो उज्जैन का महाकाल मंदिर है, सेम वो इसके साथ होता है,
भैरव मंदिर के साथ में। सॉरी, मैं इससे पहले महाकालेश्वर मंदिर के बारे में कह रहा था, जो जैन का महाकालेश्वर मंदिर है जहाँ पर भैरव भगवान मदिरा पान करते हैं, सैन वही बात यहाँ पर होती है भैरव मंदिर में। तो आप जरूर जाकर यहाँ पर देख सकते हैं। जैन मंदिर की बात करते हैं तो जैन मंदिर वर्तमान समय में खंडर की स्थिति में है, परंतु पद्मासन मुद्रा में अंकित पार्श्वनाथ की मूर्तियाँ जयसिंहपुरा जैन संग्रहालय में सुरक्षित है। यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि पार्श्वनाथ की मूर्तियाँ कहाँ पर मिली, या फिर किस पुरातत्व के स्थल में जैन मंदिर पाए गए हैं। तो वो है सुंदरसी, और सुंदरसी है शाजापुर में, और शाजापुर मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश की किसी भी कंपटीशन में अगर इतिहास सिलेबस में होगा तो वहाँ पर भी इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि जब आप एमए लेवल में आ जाते हैं तो सिर्फ आपका उद्देश्य ये नहीं रहता कि आपको एमए क्लियर करना है, आपको आपका ये भी उद्देश्य होता है कि एक सरकारी नौकरी भी होनी चाहिए। इसीलिए चीज़ों को इतने बेहतर तरीके से पढ़िए कि न केवल एमए निकले बल्कि कोई अच्छी नौकरी भी आपको मिले। मध्य प्रदेश शासन द्वारा इसे राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। किसे? जैन मंदिर को। सती स्मारक, सुंदरसी में सती स्मारक स्तंभ भी है। मध्यकाल में सती प्रथा काफी प्रचलित थी। मध्य प्रदेश के ऐरण में गुप्त संवत 191 या 510 ईस्वी का अभिलेख है। यह पर्यटन का भी आकर्षक हो सकते हैं। सुंदरसी के जो ग्रामवासी है दिसंबर के अंतिम तथा जनवरी के प्रथम सप्ताह में मेले का आयोजन करते हैं। देखिए, अगर आप दिसंबर या फिर जनवरी में जाते हैं तो ना केवल आपके इतिहास की भूख ख़त्म होगी बल्कि आप भैरव भगवान से भी मिल पाएंगे अगर आस्थावान व्यक्ति हैं तो। और अगर आप एक पर्यटन हो या फिर आपको नई नई चीज़ें देखने का मज़ा आता है तो आप ऐसी जगह में जाकर बहुत अच्छे से रह पाएंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको दिखा दूँ एक बार सुंदरसी की तस्वीर। तो ये रही सुंदरसी की तस्वीर, और अगर आप जाएं तो और अच्छे से फ़ोटो खींचें, और फिर इसी तरह से आप भी अपने सोशल मीडिया में अपलोड कीजिए और बताइए कि हमारा इतिहास भी बहुत समृद्ध है और हमें इसे जानना चाहिए। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, दौलत और पद मिलने पर जो विवेकहीन ना हो और छीनने पर विक्षिप्त ना हो, वही मनुष्य ज्ञानी है। गोस्वामी तुलसीदास की ये बात और ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएँ। जय हिंद।